अनूप जी, लगन पत्रिका के सेट पे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे लोग जहाँ पर रहेंगे वहाँ सबको अच्छा ही अच्छा लगना है, बुरा क्या लगना है। और आज की सीन का शूट हो रहा है वैसे? आज ये शादी का सीक्वेंस है जी, जी जी वो शूटिंग हो रही है। तो शादी किसकी है? शादी हीरो की है और क्या। और हीरो कौन है आपका? हीरो विमल पांडे जी। अच्छा अच्छा, तो आपके कौन लगते हैं? हमारे तो फिल्म में हमारे बेटे बने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं आपके बेटे बने हैं? बेटे हैं, मैं उनका बाप हूँ। अच्छा, तो आपका इसमें कैरेक्टर क्या पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है? पूरी तरह पॉजिटिव है। अच्छा, पूरी तरह पॉजिटिव है। ओके, तो आज आप इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ये फिल्म लिखी है मनोज जी ने, मनोज पांडे जी ने। जी जी जी। और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक नज़र में मुझे बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लगी, बहुत ही सरल ढंग से लिखी गई है, सारे किरदारों को बहुत अच्छे ढंग से पिरोया गया है, बड़ी खूबसूरत फिल्म लिखी है। और मैं पढ़ते ही, मतलब मेरा किरदार बहुत बड़ा तो नहीं है इस फिल्म में, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मतलब मज़ा आ रहा है। और इसके जो निर्देशक हैं हमारे आनंद सिंह, वो हमारे बनारस के ही हैं, लेकिन सौभाग्य देखिए कि इतने सालों बाद हम लोग पहली बार एक साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं। क्या बहुत अच्छा अनुभव है। मणि भट्टाचार्य हैं और प्रियांशु सिंह हैं, विमल जी हैं, सोनिया मिश्रा जी हैं, और पीछे से एक आवाज़ आई पलक तिवारी। अच्छा, वो भाई मैं सीनियरिटी और मतलब उस क्रम से नाम लेने जा रहा था, तो बालेश्वर सिंह, बालेश्वर सिंह जी हैं। बहुत सारे, हाँ मतलब अपने इंडस्ट्री के स्थापित कलाकार बहुत से हैं। नीलम पांडे जी हैं, रूपा सिंह जी हैं, हाँ काफी अच्छे मतलब हैं। अच्छा, तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन हैं? सुरेंद्र नागपाल जी हैं प्रोड्यूसर इस फिल्म के, और रंजीत जी। अच्छा, मैं मतलब मिला नहीं हूँ इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं, नागपाल जी से मुलाकात हुई। हाँ, शैलेंद्र नागपाल। दरअसल एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि नहीं भूलने की नहीं, सेट पर जब हम लोग आते हैं तो कोई ऐसा एक जिम्मेदार व्यक्ति पहले मतलब जैसे रहता था, लोग एक दूसरे से मिलवा देते थे एक दूसरे को, यहाँ लोग छिपाते हैं एक दूसरे को एक दूसरे से, अब थोड़ा ये सिस्टम चल गया है। तो इस सेट पर भी ऐसा हुआ कि बहुत दिन तक मुझे पता ही नहीं था कि निर्माता इस सेट पर हैं, क्योंकि वो जो भी थे वही मैं नहीं पहचानता, तो मैं अपने से कैसे जाके मिल लेता अगर कोई नहीं मिलाता है। तो आप इस कुशीनगर लोकेशन पे पहली बार आए हैं कि आप इससे पहले भी आए? नहीं, ये कुशीनगर में पडरौना है जहाँ हम लोग हैं। जी जी, कुशीनगर में तो मैं 5-6 फिल्में, मतलब जो कसिया बोला जाता है, कुशीनगर तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो कसिया है तो वहाँ पर कई शूटिंग कर चुका हूँ मैं। अच्छा, लेकिन पडरौना में पहली बार आने का अवसर मिला और बड़े अच्छा लगा कि मतलब यहाँ की जो जनता है वो कोई भी डिस्टरबेंस, हम लोग इतनी जगह शूटिंग किए और आज भी कर रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है ये। तो आपका काम खत्म हो गया है या अभी आगे है? नहीं, आज शादी का ये सीक्वेंस खत्म होगा तो मेरा काम भी, क्योंकि मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पर हूँ तो मेरा काम लगभग रोज ही चल रहा था। तो आप सबको छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कैसा महसूस? हर फिल्म में ही होता है, हम लोग मिलते हैं बड़ा अच्छा लगता है, फिर बिछुड़ जाते हैं तो 2-3 दिन बहुत खराब लगता है, लेकिन फिर किसी बिल्कुल याद आती है, फिर दूसरी परिवार में पहुंच जाते हैं तो फिर वो पिछली फिल्म को भूल के नए सिरे से काम शुरू हो जाता है। स्थिति आपकी भी वही है, हमारी भी वही है, हर कलाकार की वैसे है, क्या कहा जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात जाते जाते कहूँगा, मेरी मुहिम जो चल रही है कि सिनेमा को बचाना है तो आपको थिएटर में आना है। जी, मैं बार बार हर इंटरव्यू में ये बात कह रहा हूँ, मैंने ये मुहिम चला रखी है, आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, और वैसे मेरी बात सुनी गई या मेरी दिल की बात सुनी गई कि थिएटर में ज़बरदस्त भीड़ हो रही है, इधर जो पिक्चरें लगी हैं उनकी ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है, तो इस मुहिम में हमारा साथ दें, क्योंकि अगर सिनेमा को बचाना है तो आपको पिक्चर हॉल तक आना है। प्रणाम अनुप जी, आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और आप सिनेमा हॉल में जरूर जाइएगा देखने के लिए, भूलिएगा नहीं, शक्ली अनुप जी ने ये बोला है, क्योंकि तो आप जरूर इंटरव्यू ले रही है, इन्होंने भी बोला है।
तो आप लोग जरूर जाइएगा सिनेमा हॉल में। जी का कहना जरूर मानिएगा और अनूप जी का। और अनूप सर के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, राम जी, सोनिया जी, मैं भी हूँ पीछे। जी जी बिल्कुल। आपकी एक्ट्रेस पलक तिवारी। जी जी। हम लोगों ने मतलब मैंने डैडी के साथ एक फिल्म की थी जानम, तो इन्होंने जो बात कही ना कि हम लोग कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सालों बाद हम लोग एक दूसरे से टकराते हैं और कई बार ऐसा होता है कि फटाफट हम लोग साथ में फिल्म कर लेते हैं। तो मैंने फिल्म की थी जानम उनके साथ, वो मेरे डैडी बने थे, और उसके 4 साल बाद मुझे काम करने का मौका मिला उनके साथ, जो फिल्म का नाम था वंश। और फिर 1 साल बाद फिर मुलाकात हो गई हमारी यहाँ पे, और वही सोनिया जी के साथ हुआ। मैंने इनके साथ रंग में रंग फिल्म किया था, जो मेरी पहली फिल्म थी, सेकंड फिरौती थी, और थर्ड ये है लगन पत्रिका। और बहुत ही प्यार देते हैं मम्मी डैडी भाभी भैया जो भी बनते हैं लोग, बहुत ही प्यार देते हैं और बहुत ही प्यारे हैं और दिल से आशीर्वाद देते हैं सबको। और क्या बोलूं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और कुल मिला के यही है, आप सिनेमा हॉल में ज़रूर आइएगा देखने। अपने बारे में कुछ नहीं से कहलवाना चाहेंगे। आप मेरे बारे में 2 शब्द जरूर बोलिएगा। देखिए, किसी भी कलाकार के बारे में 2 शब्दों में उसका मतलब उसकी प्रतिभा को बयां करना बड़ा मुश्किल है। सोनिया जी बहुत ही हंसमुख मिलनसार हैं, जिस भी सेट पर होती हैं ना वो पूरा सेट गुलजार रहता है, इनके हंसी की आवाज़ सुनाई देती रहती है, और बहुत ही अच्छी डिवोटी कलाकार हैं, और हम लोग चाहते हैं हमेशा हम लोग साथ में काम करें, बहुत अच्छा लगता है। एक आपस में ट्यूनिंग भी बनी रहती है, और इनकी ट्यूनिंग वैसे सबसे बन जाती है, मैं ही एक अकेला नहीं हूँ, ये जितनी ये मिलनसार हैं हंसमुख हैं, इसलिए सबके साथ काम करती हैं अच्छे ढंग से। भगवान इनको लंबी उम्र दे, लगातार काम दे, ये हम लोग के साथ हमेशा काम करती रहे। सर, कितनी फिल्मों में आप और सोनिया जी एक साथ नज़र आए हैं और किस किस किरदार में नज़र आए हैं? किस किरदार में, तो ये मेरी बहू भी बन चुकी हैं, और मेरा ख्याल है वैसे फिल्में देखें तो हम लोग करीब 25 फिल्में तो कर चुके हैं। कभी ये मेरे भाई की पत्नी है, कभी बेटे की पत्नी है, कभी बीबी भी बन चुकी है। अब ये जो माँ बनने का मतलब इनका दौर शुरू हुआ है, तो करीब 5 फिल्में हम लोगों की हो गई हैं साथ में, मतलब जोड़ी हस्बैंड वाइफ बन चुकी जोड़ी। हाँ, और आगे धन्यवाद आपका। तो बस ये दौर है, चलता रहता है। कलाकारों के जीवन में कुछ स्थिरता ये नहीं है कि आज हम ये हैं तो कल हम यही रहेंगे, एक दिन सबको अपनी उम्र के हिसाब से किरदार में ढलते जाना। वैसे भी भोजपुरी फिल्मों में भाभी वगैरह का रोल बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो एक कलाकार को बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ता है इस बात के लिए कि कोई मेरे लायक रोल होगा तो मैं करूँगा। तो अब ये जो इन्होंने माँ का किरदार निभाना शुरू किया है, तो इससे ये ज़्यादा व्यस्त हो गई हैं और लगातार फिल्में कर रही हैं, और ईश्वर करे इसी तरह ये काम करती रहें हम लोगों के साथ, स्वस्थ माहौल में हंसाती रहें, हंसती रहें। धन्यवाद। मैं अनूप जी की बातों से सहमत हूँ, और सही बोल रहे हैं कि जब मैं भाभी का कैरेक्टर कर रही थी तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिलता था, लेकिन जब से मैंने माँ का कैरेक्टर शुरू किया करने के लिए, तो मतलब मुझे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिलने लगे और उसमें कुछ करने का मौका भी मिल रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा करूँ, बस आप लोग की दुआ है कि मैं अच्छा काम करूँ। बस मैं आप लोग से यही चाहती हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा बनाए रखिए। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।